वनडे 19 का रीजनल टूर्नामेंट हो रहा था उस वक्त आया था, तो उस वक्त से लेके अब तक बहुत चेंज आया है और कायदे आजम ट्रॉफी नई शुरू हुई है, इधर नया फॉर्मेट शुरू हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम पूरे पाकिस्तान में खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से इस ग्राउंड को वो क्रिकेट नहीं मिल रही पाकिस्तान की डोमेस्टिक की जो इसको मिलनी चाहिए। तो एक दो अच्छी टीमों का कल बलूचिस्तान को साउथ पंजाब के इधर मैच होगा और उम्मीद है कि चार अच्छे दिन आपको क्रिकेट के देखने को मिलेंगे। सर मैं शान मसूद हूँ, पाकिस्तान टीम का ओपनिंग बैट्समैन हूँ, सदर्न पंजाब का कप्तान हूँ। हमारी सदर्न पंजाब की टीम इधर बलूचिस्तान से मैच खेलने आई हुई है, चार रोज़ा का दूसरा राउंड है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैच हमें इस खूबसूरत ग्राउंड में देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत अच्छे बाद जो है वो पाकिस्तान के ग्राउंड वापस आ पा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं और बलूचिस्तान में इस तरह के इवेंट का इंतजाम बहुत अच्छे बाद इसके बारे में? देखें, वही होता था कि पहले जो क्रिकेट होती थी वो कुछ शहरों में और कुछ जो मेन ग्राउंड्स हैं उस तक ही रहती थी। अब ये अच्छी चीज़ है कि हमें हर कंडीशन में खेलने को मिलेगा। सबसे जो क्रिकेट के तहत से जो बात कर रहे हैं कि हमें हर कंडीशन में खेलने को मिलेगा, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो फास्ट बॉलर्स को सूट करेंगी, कुछ स्पिनर्स को सूट करेंगी, तो वो एक प्लेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और फिर पाकिस्तानी होने के नाते एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेट खेलें। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सीज़न स्टार्ट हुआ है इसके बाद और भी बहुत सारे ग्राउंड हैं क्वेटा के साथ जहाँ हम जाके पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट कराएँ, यहाँ का रीजनल जो हमारा T20 कप होता है वो भी इधर हो और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, ताकि जो क्रिकेट के शायकीन हैं हर जगह जो पूरे पाकिस्तान में उन सबको मौका मिले कि वो अपने स्टार्स को देख सकें। देखिए, हमारा इस पाकिस्तान ही सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि हमें होम क्रिकेट नहीं मिली है। तो अगर आप बात फिर रीजन्स की भी बात कर लें, जब आपके आपके पाकिस्तान में क्रिकेट कम हो रही है तो उससे पाकिस्तान में ही क्रिकेट का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब उम्मीद यही करता हूं कि जिस तरीके से इधर मैचेस कराए हैं, एबटाबाद में मैचेस होने जा रहे हैं, अगले साल हमारी कोशिश, मतलब बोर्ड की कोशिश यही होनी चाहिए कि और भी जो दीगर इलाके हैं उनमें भी मैचेस हों, तो उससे ये होगा कि जो लोकल इंटरेस्ट है वो पैदा होगा गेम में और इंशाल्लाह आपको और बच्चे मिलेंगे जो क्रिकेट की तरफ आएंगे और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में बहुत आपको उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी मिलेंगे। अजय शान साहब, पीसीबी ने हमेशा चेयरमैन किसी की बोला है, यानी हमेशा उनका दावा रहा कि रीजनल क्रिकेट फ्रो किया जाएगा, एक अरसे के बाद डोमेस्टिक गेम्स हम देख रहे हैं कोयटा में, ऐसे खबर शायद अफरीदी या दीगर प्लेयर्स जो नेशनल लेवल पर खेल चुके टीम के कैप्टन रहे हैं उन्होंने भी यही दावा किया कि कोयटा में टैलेंट मौजूद है लेकिन यहाँ पे पीसीबी सर बात यही है कि हर बंदे का जो पाकिस्तानी है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए जाके क्रिकेट खेले, तो सबका ही उतना ही हक होना चाहिए। तो उम्मीद यही करता हूँ कि अब यहाँ जो क्रिकेट शुरू हुई है इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो इसी रीजन को होगा। जब आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इधर आएंगे, लोग देखने आएंगे, उसमें क्रिकेट में आपके एक शौक पैदा होगा और इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ में भी इधर इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर किया जाएगा ताकि जो लोकल जो क्रिकेटर्स हैं उनको सपोर्ट मिले और वो भी आगे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वही चीज़ है कि एक जो रूल है वो सबके लिए होना चाहिए, जो फैसिलिटी एक के लिए है वो सबके लिए होनी चाहिए और पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा था कि जैसे ही हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की पोजीशंस पे लोग ही जैसे कि ओपनिंग हो चुकी हैं उसके बाद ही सारी जो कैप्टनसीज हैं तीनों फॉर्मेट की वो भी अनाउंस कर दी जाएंगी। प्रयास राय ने ये भी चल रही थी कि आपको टेस्ट कैप्टनसी दिए जाने के इम्कान हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई? सर मैंने इस सवाल का पहले भी जवाब दिया है, जो भी ऐसी खबरें आई हैं वो सिर्फ मीडिया में आई हैं, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं होती हमें कॉमेंट नहीं करना चाहिए। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का एक प्लेयर हूँ और मेरी तवज्जो पूरी होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान टीम को जब भी मुझे नेक्स्ट मौका मिले उधर कैसे सर्व कर सकूं, और अभी हम डोमेस्टिक का मैच इधर खेलने आए तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसी परफॉर्मेंसेस दें जो हमें वापस पाकिस्तान टीम